मेरे साथ इस समय चुरू की एसपी साहिबा हैं, और मैं बता दूं कि चुरू की पहले महिला एसपी होने का गौरव प्राप्त हुआ है तेजस्विनी गौतम जी को। राज सुजानगढ़ पुलिस थाना का उद्घाटन समारोह पे आप आई हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले क्या कहेंगी, जिस तरह का भवन यहाँ पर बना है, आज मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। हमारे पास सुजानगढ़ थाने में थाने की बहुत जर्जर हालत थी और हम अच्छे से इफ़ेक्टिवली पुलिसिंग नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सा बड़ा भवन, जिसमें कहीं तो बैरिक हैं तो रहने की कोई समस्या नहीं है, और अच्छा मॉडर्न तरीके से जो हमारा लेआउट है, जो नक्शा है, उसके मुताबिक ये भवन बना है। और हम आशा करते हैं कि इससे पुलिसिंग को ऊर्जा मिलेगी, सुजानगढ़ वासियों के लिए बेटर होगा और हम उनको बेहतर तरीके से पुलिसिंग दे पाएंगे। मैडम मंत्री जी ने आपकी काफ़ी तारीफ की थी आपकी कार्यशैली की, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या नवाचार किया है, क्या नई चीज़ें की है जिससे सुरक्षा व्यवस्था खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा बढ़े? अभी तो मुझे 15 दिन ही हुए हैं आए हुए चुरू में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक महिला पेट्रोलिंग यूनिट चुरू में स्टार्ट की है, जिसमें महिलाओं के ज़्यादा आवागमन जहाँ पे होता है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, मार्केट प्लेसेस, पार्क्स, वहाँ पे हम महिला स्पेशल महिला गश्ती दल को नियुक्त किया है, जो जाके वहाँ पे लगातार गश्त करेंगी और बैड एलिमेंट्स को जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं या जो गुंडे टाइप के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सशक्त रहेंगी। और वैसी ही एक टीम हम जल्द सुजानगढ़ में भी शुरू करने वाले हैं। क्या तरीका है, जैसे क्योंकि महिला उत्पीड़न की छेड़छाड़ की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? सबसे पहले तो महिलाओं को आगे आना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो महिलाएं आकर बता ही नहीं पाती हैं पुलिस को। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि महिलाएँ चुरू ज़िले में कहीं पर भी और राजस्थान पुलिस पूरी कहीं पर भी महिलाओं के लिए संवेदनशील है। वो जो भी अपना मैटर है, किसी भी तरीके की उनको परेशानी है, तो वो किसी भी वक्त थाने पे आ सकती हैं, मेरे ऑफिस आ सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं और हम उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका विधिवत सोल्यूशन करने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। मैडम एक अच्छा कार्य आपका हमने देखा सुजानगढ़ में भी पुलिस विभाग ने कर रही है कि 5 से 7 बजे तक जो मार्केट में पैदल गश्त पुलिस करती है, और जो मार्केट में जिस तरह के अतिक्रमण है या कोई मार्केट में अवरोध पैदा करे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। तो ये आपने यहाँ सीखिए, उससे पहले भी आप इस तरह के कार्य भी कर चुके हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन पुलिसिंग का पार्ट है हमारा, यहाँ पे चुरू में हमने इसको शुरू किया है और मैं भी जब भी मौका मिलता है चुरू में मैं कर चुकी हूँ और बाकी हर थाने क्षेत्र में भी मैं खुद पैदल गश्त करूँगी थाने क्षेत्रों में। मंत्री जी ने 3 स्कूटी देने का भी आपके कार्यशैली से प्रसन्न होकर एक घोषणा की, कितना अच्छा लगा। जी बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने कहा आपको हम जल्दी सुजानगढ़ में भी शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद बातचीत। थैंक यू। आज सुजानगढ़ पुलिस थाना के नए भवन का उद्घाटन है और जो अधिकारी वर्तमान में सुजानगढ़ में हैं उनके लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है कि उनके कार्यकाल में इस भवन का उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि जर्जर अवस्था में जो भवन था, गढ़ था सुजानगढ़ प्राचीन, वहाँ थाना चल रहा था, जो लोगों की सुरक्षा कर रहे थे पुलिस वाले, उनकी खुद की सुरक्षा नहीं थी, कभी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन भगवान की कृपा से ये कार्यकाल, ये थाना ठीक से चल गया और अब नए भवन में आज उद्घाटन हो रहा है। तो दोनों आला अधिकारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं एसपी साहब से बातचीत करना चाहूँगा। सीताराम जी बहुत बहुत बधाई हूँ आपको भवन के उद्घाटन के अवसर पर, कितना सौभाग्य है आपके लिए कि आपके कार्यकाल में उद्घाटन हो रहा है। ये सुजानगढ़ की जनता के लिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है और पुलिस थाना सुजानगढ़ के जो कर्मचारी थे उनके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज वो जो जर्जर भवन था उसको छोड़कर आज ये भव्य बिल्डिंग जो सुजानगढ़ थाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है, जो कार्यकारी एजेंसी PWD चुरू है, इन्होंने 1,17,00,000 में ये भवन बनाया है, इसमें आज ये थाना शिफ्ट हो रहा है। माननीय मास्टर भंवरलाल जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन मंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा ये इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है और आज से ये थाना भवन इसी भवन में शिफ्ट होकर और सुचारू रूप से संचालित होगा। सुजानगढ़ के जो पुलिसकर्मी थे वो जर्जर भवन में रह रहे थे। सुजानगढ़ में इस साल काफ़ी बारिश हुई है, थाने में पानी भी भर गया और थाना इतने जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया कि वो कभी भी गिर सकता है, इसलिए इस नए भवन में आज शिफ्ट कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य का दिन है मुलाजमानों के लिए और यहाँ की जनता के लिए कि ये नया भवन पुलिस को आज मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई सर। नरेंद्र शर्मा DSP साहब क्या कहेंगे इस अवसर पर? मैं कस्बा के सभी नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज ये नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह का आयोजन रखा गया है। ये निसंदेह यहाँ के जो भी पुलिस जवान हैं, यहाँ बड़ी उनकी सुविधा मिलेगी, पर्याप्त काफ़ी स्पेस भी है और यहाँ उनकी कार्य क्षमता का भी विस्तार होगा और ये हाईवे नज़दीक होने की वजह से हाईवे के अपराधों में भी कमी आएगी और हाईवे के अपराधों की रोकथाम भी हम प्रभावी रूप से कर पाएंगे। और
चोरी लूट या इस प्रकार की घटनाओं रोकने के लिए एक नाकाबंदी जो पॉइंट होता है वो भी हम इफेक्टिव तरीके से लागू करेंगे, और एक आमजन जो आसपास के देहात ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत ये नज़दीक होने की वजह से और वो आराम से आ जा सकते हैं ये। और मैं आपको पूर्ण शुभकामना देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आपने हाईवे की बात कही लेकिन शहर में होने के कारण शहरवासियों को काफ़ी सुरक्षा थी, खासतौर से गांधी चौक जो कि सुजानगढ़ अर्धस्थल है वहाँ पर पुलिस थाना था, तो आम लोगों के लिए महिलाओं के लिए बड़ी सुरक्षा थी। ये आम जन के लिए हम एक विशेष व्यवस्था जो ये पुलिस चौकी है वो हम रखेंगे और वो निसंदेह एक पर्याप्त जाब्ता वहाँ रहेगा, जो कि कस्बा के जो इंटीरियर जो बाज़ार है और मुख्य रिहाइश जो है उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे और पूरी कार्रवाई करेंगे हम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे बड़ी बात यही थी क्योंकि हमें यही था कि गांधी चौक में था और गांधी चौक में बहुत लोगों का खासतौर से असामाजिक लोगों का जमावड़ा रहता है, और सर ने कहा कि वहाँ पर एक पुलिस चौकी रहेगी और वहाँ पर कर्मचारी रहेंगे ताकि वहाँ पर आम लोगों की सुरक्षा की जा सके। कुछ ही देर में कलेक्टर महोदय और SP साहब आ रहे हैं क्योंकि अन्य अधिकारीगण व्यवस्थाकरण नहीं पहुँच पा रहे हैं, और मंत्री जी सामाजिक न्याय अधिकार मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल के मुख्य अतिथि में इस भवन का उद्घाटन होने वाला है।